जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोविंदपुरा के ग्रामीणों ने गांव में जल जीवन मिशन के तहत अपूर्ण पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा गांव में पेयजल सप्लाई के तहत जल पाइपलाइन की मांग की है। उक्त मांग को लेकर बुधवार को गोविंदपुरा के ग्रामीण सरपंच के सानिध्य में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने उक्त मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जिलाधीश को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में विगत दिनों जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालकर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कुछ स्थानों पर पॉइंट बनाए थे, जहां से ग्रामीण पेयजल हेतु पीने के पानी भरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में लाइन नहीं डालने के कारण अधिकांश ग्रामीणों को पेयजल से वंचित रहना पड़ रहा है और उन्हें टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से पेयजल समस्या के समाधान हेतु पूरे गांव में पाइपलाइन डलवाने तथा आमजन को पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाकर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुमन देवी, अनिता घावरी, मंजू कंडारा, मुन्नी कुमावत, सुमित्रा घावरी, आशा देवी, लीला रावत, गीता देवी, कमला रावत, समा बानो, कमला रावत, अनिता लखन, रीना कल्ला, कौशल्या देवी, विमला देवी तथा प्रभु कंडारा आदि शामिल थे। पानी की समस्या है, इसको लेकर समस्त महिलाएं और आमजन जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए। विगत 3 साल पहले जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत गोविंदपुरा की कुछ कॉलोनी में पाइपलाइन डाली गई है, इसके अलावा सारा एरिया को वंचित रख दिया गया और जिस जगह पाइपलाइन डाली गई है उस पर सार्वजनिक नल लगाए गए हैं जो पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। 60-70 घरों के बीच में एक नल लगाया गया है, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसी सौहार्द खत्म हो रहा है। इस बात को लेकर जल जीवन मिशन के अधिकारियों को शिकायत की गई बार बार, इसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है, ना किसी तरह का प्रेशर की कोई सुविधा पूर्ण की गई है, ना पाइपलाइन डाली गई है। हर बार हमें आश्वस्त किया जाता है कि एक महीने डेढ़ महीने में ये पाइपलाइन का नक्शा तैयार हो गया है, हम इसको दुरुस्त कर देंगे, हम इसमें पाइपलाइन डाल देंगे और प्रेशर की समस्या खत्म कर देंगे। पिछले 3 साल में अधिकारियों द्वारा किसी तरह की कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया, इसको लेकर ADM साहब को जानकारी दी गई है और वहाँ बहुत सारी समस्या आ रही है और इस तरह की दिक्कत आ रही है, जिससे अब सौहार्द खत्म हो रहा है। सड़कें नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज भी 3 साल तो पाइपलाइन को हुआ, लेकिन हम पिछले कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, फिर भी हमें पानी की, रोड की, सभी की सुविधा ही नहीं मिल पा रही है, जबकि शहर से बिल्कुल नजदीक एरिया है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करते, तो हमसे वोट लेने क्यों आते हैं? ये हमको वहां से क्यों अटैच करते हैं कि हम लोग वहाँ ये रोड ये तुम्हारे से हम लोग जुड़ के रहे हैं? पानी तो हमारे पूछो ही मत, आप महीने महीने भर तक नहीं आता है हमारे पानी, और पानी आता है तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्लो आता है पानी और गंदा पानी आता है।